आनंद नगरी की शान। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह व्यायाम के लिए आना। अब हम दिन भर चुस्त रहेंगे। हाँ, और सुबह की ताजी हवा में सेहत और भी अच्छी हो जाती है। मगर थोड़ी देर और सो जाते तो बेहतर होता। सुद्दी, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ तो हर काम अच्छे से कर पाओ। व्यायाम से बनोगे चुस्त, वरना रहोगे सुस्त। समझे सुद्दी? व्यायाम से बनो चुस्त, वरना रहोगे सुस्त। उफ़ो, अब चलो कुछ खाते हैं। हाँ, चलो। सुनो सुनो सुनो, कल आनंद नगरी और धौलपुर के पहलवानों के बीच कुश्ती का मुकाबला होगा। धौलपुर के मंगलू पहलवान का ये दावा है कि आनंद नगरी से कोई उसे हरा नहीं सकता। आनंद नगरी से दिगामा पहलवान धौलपुर में जाने वाले हैं। सभी आनंद नगरी वासियों से निवेदन है कि मुकाबले में जाएं, दिगामा का हौसला बढ़ाएं और आनंद नगरी की शान बढ़ाएं। कल बहुत बड़ा दिन है आनंद नगरी के लिए। पिछले साल कुश्ती का मुकाबला धौलपुर का मंगलू पहलवान जीता था। हाँ हाँ, हम सब मुकाबला देखने जरूर चलेंगे। मगर सुना है वो मंगलू तो बड़ा ही खतरनाक पहलवान है, आज तक किसी से नहीं हारा है। हमारी आनंद नगरी की शान की बात है, हम जरूर चलेंगे। साल तो इस मंगलू पहलवान ने सबको हरा दिया था कुश्ती में, इस बार भी उन आनंद नगरी वालों को हरा देंगे हम धौलपुर वाले। पता नहीं ये आनंद नगरी के लोग कुश्ती के मुकाबला में आते काहे, हर बार तो इतनी बुरी तरह से हार के जाते हैं। अरे हारने दो, उनको हारता देखने में मजा भी तो बहुत आता है। इस बार का मुकाबला जीतना आनंद नगरी के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। इस बार आनंद नगरी को ही जीतना होगा। हाँ हाँ, इस बार आनंद नगरी को जीतना ही होगा। जीतना ही होगा। अब कुश्ती का मुकाबला शुरू। धौलपुर की तरफ से हैं हमारे हर साल के विजेता मंगलू पहलवान, और आनंद नगरी से हैं पिछले साल पूरी तरह से हारने वाले दिगामा पहलवान। मंगलू 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 मंगलू। पहले शरबत तो पी लेते हैं, फुर्ती आएगी, फिर कुश्ती शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शरबत ले लो, पियो। अब आएगा मजा। यो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नगरी का पहलवान,
ये तो ऐसे ही ढेर हो गया। लगता है सब लल्लू ही है आनंद नगरी में। ज्यादा घमंड मत कीजिए, मैं अपनी आनंद नगरी को जिताऊंगा। आ जाओ बच्चे, तुम्हें हराने में क्या वक्त लगेगा, आओ। बल्लू भैया, जाओ तोड़ दो इसका घमंड। हाँ बल्लू। आजा बच्चे, आजा। हरा सके और कोई है क्या जो मंगलू की चुनौती स्वीकार कर सके? हाँ, मैं कोशिश करना चाहूँगा। तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें तो यूं मसल दूंगा मैं। आओ आओ, आनंद नगरी इतनी बुरी तरह से हार रही है कि एक बच्चा लड़ने आ रहा है। सुना, एक बच्चा लड़ने आ रहा है। चलो आ जाओ, आ जाओ और हार जाओ। कृष्णा, क्यों जान मुसीबत में डाल रहे हो? तुमने तो देखा है ना उस मंगलू को? हाँ कृष्णा, और वो तो गलत तरीके से जीत रहा है। कुछ भी कर सकता है वो जीतने के लिए। सुद्दी, राधिका, मैं डर के भागूंगा नहीं। उसने बल्लू भैया को गलत तरीके से हराया है। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा, हमारी आनंद नगरी के गौरव के लिए। मैं हमारी आनंद नगरी को हारने नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा, हरा दो उस मंगलू को। आओ आओ, आ जाओ और हार जाओ। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। खेलने से पहले थोड़ी लस्सी तो पी लेता हूँ। क्या हुआ, गुस्सा हो गए मंगलू पहलवान? मुझे पकड़ के दिखाओ तो जरा। बताता हूँ तुम्हें,
बधाई है। जो कोई न कर पाए वो किस ना कर दिखाए। स्थापना दिवस की बहुत अच्छी शुरुआत कर दी, बहुत अच्छी धुन बजाई। हाँ ये भी कोई धुन थी क्या? धुन तो हमने बनाई है, क्यों भोंदू? चंपू, हमने धुन कब बनाई? इसकी तो आदत ही है मजाक करने की। भोंदू मैं शुरू करता हूँ, तू बस ढोल बजा। करो ये बेसुरा राग, वरना संगीत से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। चंपू भोंदू का फट गया ढोल, खुल गई इन दोनों की पोल। बच्चों तुम सब जानते हो आज आनंद नगरी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि गुरुजी हजार साल पहले आज ही के दिन राजा वीर प्रताप ने आनंद नगरी की स्थापना की थी, और तभी से हर साल स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सही कहा बच्चों, और रात को हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं और पूरी आनंद नगरी को रोशनी से सजाते हैं, जानते हो क्यों? जी गुरुजी, आनंद नगरी के राजा वीर प्रताप ने अंधेर नगरी के राजा दुर्भाव को पूरी तरह हराया था। आनंद नगरी में इस ऐतिहासिक जीत को अंधेरे पर रोशनी की जीत माना जाता है, और इसी जीत को हम प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। सही कहा किसना, और तभी से हर साल हम आनंद नगरी के कोने कोने में प्रकाश करके इस उत्सव को मनाते हैं। गुरुजी हम आज भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ बल्लू, इसीलिए तुम सब बच्चों के लिए आनंद नगरी मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब हम सब वहीं चलेंगे, आओ। चलो चलो। आज स्थापना दिवस के अवसर पर दिए बनाने की प्रतियोगिता होगी, विजेता को पुरस्कार भी मिलेगा, और वो अपने बनाए दिए ले जाकर अपना घर भी सजा सकता है। हम ढेर सारे दिए बनाएंगे, रात को रोशनी भी तो करनी है। आज रात आनंद नगरी में कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। दिए बनाना, फिर उन्हें धूप में सुखाना, और फिर उन्हें रंग कर सुंदर बनाना, क्या हम ये काम दल बनाकर करें? बिल्कुल सही कहा किसना, मिलजुल कर कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बच्चों अपने अपने दल बना लो, लेकिन एक दल में चार से ज्यादा बच्चे ना हो। जो दल सबसे ज्यादा दिए बनाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। गुरुजी हमारे दल में होंगे राधिका, सुधी, बल्लू भैया और मैं। चंपू, हमें भी दो साथी और चाहिए ना? माला और बाला को अगर हम अपने दल में शामिल कर ले तो? माला, बाला, अगर हम जीत गए तो जो भी पुरस्कार मिलेगा वो तुम दोनों ले लेना। चंपू, तुम बाद में बेमानी तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना भोंदू? हाँ हाँ चंपू, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बना है ना? अब देखो मैं क्या बनाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? ये कढ़ाई? भैया दिए में बाती जलानी है, पूरियां नहीं तलनी।
कितने धीरे धीरे काम कर रहे हो सुती। लाओ मैं बनाता हूँ। टोटो दिए बनाने हैं, फोड़ने नहीं हैं। किसना इस तरफ के दिए सूख गए हैं। तो चलो अब उन्हें रंगते हैं। टोटो तुमने टोटो दिया बना ही दिया। बस बच्चों बस, समय समाप्त हुआ, अब बारी है इन्हें गिनने की। अब मोहन जी सब दलों के दिए गिनेंगे। बिट्टू के दल ने बनाए हैं 70 दिए, चुन्नी के दल ने बनाए हैं 80 दिए, चंपू और भोंदू के दल ने बनाए हैं। मैं गिनता हूँ, मैं गिनूंगा। अरे अरे चंपू भोंदू संभल के। मैं गिनूंगा। अरे चंपू भोंदू क्या कर रहे हो, संभालो ये गिर जाएंगे। और किसना के दल ने बनाए हैं पूरे 101 दिए। तो इस प्रतियोगिता का विजेता है किसना का दल। बच्चों अब तुम सबको घर जाना चाहिए, आज रात के प्रकाश उत्सव की तैयारी भी तो करनी है ना। अपने बनाए दिए तुम साथ ले जा सकते हो, जाओ। जी गुरुजी। बहुत मेहनत की है मेरे बच्चों ने, लो कुछ खा लो। हम सबके घर तो सज गए। अब जल्दी शाम हो और प्रकाश उत्सव मनाया जाए। रोशनी ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। अब हम हर साल की तरह प्रकाश उत्सव में रोशनी के गुब्बारे आसमान में उड़ाएंगे। नगरी की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। मैं इसी अंधेरे को अपनी ताकत बनाऊंगा महाराज। मैं इस अंधेरे से एक ऐसा दानव बनाऊंगा जो आनंद नगरी की सारी रोशनी छीन लेगा। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। राजा दुर्बहु तो आनंद नगरी को जीत नहीं पाए, लेकिन आज समय है उस अपमान का बदला लेने का। जाओ अंधकार और आनंद नगरी में अंधेरा कर दो, छीन लो उनकी रोशनी।
चाल है। गुरुजी, एक अंधेरे का दानव हमारी रोशनी को निगल रहा है। अंधेरे का दानव? अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश को नहीं हरा सकता। लेकिन अभी तो प्रकाश है ही नहीं गुरुजी। गुरुजी, हम इस अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ। इस पुस्तक में अंधेरे के दानव से लड़ने का उपाय है। इस अंधेरे में हम ये किताब कैसे पढ़ेंगे? इस अंधेरे के दानव का अंत सिर्फ अनंत प्रकाश की तलवार ही कर सकती है। अनंत प्रकाश की तलवार? वो हमें कहाँ मिलेगी? हमारी आनंदी नदी में एक द्वीप है जिसे सब निर्जन समझते हैं, लेकिन वहाँ एक गुप्त गुफा है जहाँ प्रकाश के रक्षक रहते हैं, और उन्हीं के पास है अनंत प्रकाश की तलवार। लेकिन क्या वो हमें ये तलवार देंगे? अगर तुम्हें वो इसके काबिल समझेंगे तो जरूर देंगे। सच्चे मन और पक्के इरादे वालों को कोई कभी ना नहीं कह सकता। गुरुजी, हम वो तलवार लेकर आएंगे। आनंद नगरी का प्रकाश उत्सव हम अंधेरे में डूबने नहीं देंगे। चलो दोस्तों। अंधेरे के दानव ने सिर्फ आनंद नगरी के प्रकाश को निगला है, इसीलिए यहाँ रोशनी है और आनंद नगरी में अंधेरा। मैं तेज चलाने की कोशिश करता हूँ। पहले प्रकाश के रक्षकों की आज्ञा लेनी होगी। रुकिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमें बस ये तलवार चाहिए। आखिर आप लोग चाहते क्या है? हमसे लड़ना चाहते हैं। तो है ये कोई परीक्षा है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आप मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शाबाश कृष्णा, कृष्णा मैं भी आता हूँ। नहीं बल्लू भैया, ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी होगी। परीक्षा तो तुमने पूरी कर ली, लेकिन अभी तुम्हें बुद्धि की भी परीक्षा देनी होगी। बज गई घंटी। अरे सुनी करो मान, परीक्षा तुम्हें नहीं कृष्णा को देनी है। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो बताओ वो क्या चीज है जो दिन में हर जगह होती है पर कोई जगह नहीं घेरती? धूप। वो क्या चीज है जिसे हम रात को जगाते हैं और सुबह सुला देते हैं? दीपक। शाबाश। अब आखिरी सवाल, तुम तलवार के बदले में अपने किस दोस्त को मुझे दोगे हमेशा के लिए? ये मेरे दोस्त हैं, मैं किसी को भी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। सोच लो, बदले में मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति दे दूंगा। कोई भी शक्ति मेरे दोस्तों की जगह नहीं ले सकती। तो क्या वापस जाने के लिए तुम दोबारा हमसे युद्ध करोगे? मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत खूब कृष्णा, मैं तुमसे खुश हुआ। तुम इस परीक्षा में भी सफल रहे। अब तुम ये तलवार ले जा सकते हो। तुम्हारा काम पूरा होते ही ये तलवार यहाँ वापस आ जाएगी। कृष्णा, हमें जल्द से जल्द आनंद नगरी पहुँचना होगा। बच्चों, ये तलवार तुम्हें प्रकाश की गति से वहाँ पहुँचा देगी। आनंद नगरी का अंधेरा दूर कर दिया। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बात पर आतिशबाजी हो जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, नहीं महाराज।
नगरी की ताकत। अरे सुद्दी, तुम में तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है। हाँ सुद्दी, इसीलिए तो कहता हूँ दूध पीना चाहिए। सच कहा बल्लू। हाँ, हर प्रकार के खाने में कितने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हमें ताकत मिलती है, और हमें अपनी ताकत सिर्फ अच्छी चीजों में ही जुटानी चाहिए और ताकत बढ़ाने के लिए खाना खाना चाहिए। वैसे खाने से याद आया, राधिका क्या लाई हो इस डब्बे में? बल्लू, हलवा पूरी लाई हूँ। जुटा लो, जितनी ताकत है तुम्हारे पास जुटा लो, आखिर सब मेरे पास ही तो आनी है। दिन में सपने देखना बंद करो त्रिकाल। इतने बार हारने के बाद भी बास नहीं आते तुम, कहो कहो। मैं तो गया। हाँ तो त्रिकाल, तुम क्या कह रहे थे? यही कि त्रिकाल, तुम तो हो कमाल का होगा। सही कहा, लेकिन आज करूंगा मैं एक अनोखा कमाल। ऐसी क्या योजना है इस बार त्रिकाल? महाराज, ये है मेरा नया आविष्कार। इसकी मदद से आनंद नगरी के सब लोगों की ताकत खींच के इस जादुई घड़े में बंद कर लूंगा। उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर उन्हें घर आने में और भी आसानी होगी। और फिर कमजोरों को हम धीरे धीरे हरा देंगे। वाह त्रिकाल, इस बार तो मजा आ गया। आलतू फालतू, इधर आ जाओ। तू आलतू और तू फालतू, चलो करे धमाका। जाओ, इस जादुई घड़े में आनंद नगरी के सारे लोगों की ताकत चुरा कर ले आओ। जाओ, उन्हें कमजोर बना दो। जी सरकार। वो देखो, भैया जरा वो वाला दिखाना। इस बार तो मजा आ गया, सब लोगों की सारी ताकत हमारे पास आ गई। त्रिकाल अब हमें इनाम देंगे, मजा आ जाएगा। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो किस्ता की ताकत लानी है, किस्ता को कमजोर बनाना है, और फिर आनंद नगरी की बर्बादी होगी। हाँ, चलो किस्ता को ढूंढते। अभी जाके किस्ना को बताना पड़ेगा। अब तो बस किस्ता को पकड़ना है।
ये सब ठीक नहीं हो रहा नंदू जी, जल्द ही कुछ करना होगा, इस तरह तो आनंद नगरी कमजोर पड़ जाएगी। हाँ आपने ठीक कहा भोला जी, हमें अपनी आनंद नगरी को बचाना होगा। मैं हमारी आनंद नगरी को कुछ नहीं होने दूंगा बाबा, त्रिकाल की ये योजना भी खत्म कर दूंगा। कृष्णा कृष्णा, वो लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और सब आनंद नगरी वालों की ताकत वापस लाऊंगा। संभल के कृष्णा। कृष्णा तुम ही हमें बचा सकते हो। हाँ हाँ कृष्णा, वो लोग तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कृष्णा क्या सोचा है तुमने? सबसे पहले तो किसी और की ताकत छीनने से उन्हें रोकना होगा, और हमें उनसे इन सब की ताकत वापस लानी होगी। सही कहा कृष्णा, चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। मेरे पास एक तरीका है, ध्यान से सुनना। तुम कृष्णा को ढूंढ रहे हो ना? मुझे पता है वो कहाँ होगा। कहाँ होगा बताओ जल्दी। ओ, नदी के पास वाली जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वो वही मिलेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, चलो अब तुम्हारी ताकत भी हम लोग छीन लेते हैं। अरे छोड़ो ना फालतू, ये तो वैसे भी बूढ़ी है, इसमें कौन सी ताकत होगी। चलो किस्ता को पकड़ते हैं। हम तो पहुंच गए मगर ये किस्ता कहाँ रह गया। ये तो क्या हो गया त्रिकाल, कोशिश नाकाम तो नहीं हो रही तुम्हारी? शांति महाराज शांति। अब देखिए आनंद नगरी के पेड़ भी मेरे गुलाम हो जाएंगे। इन पेड़ों की शाखाएं जिन पे कृष्णा झूल रहा है अब उसे बंदी बना लेंगी। कमालम थमालम चमत्कारम त्रिकालम। अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। वासियों की ताकत छीनने आए हैं त्रिकाल के चेले, बहुत हो गए इनके झमेले। आओ बल्लू भैया इन्हें सबक सिखाएं। कृष्णा इन्हें तो अच्छा मजा चकाना होगा। हाँ भैया, हमारी आनंद नगरी पर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। पर जरा जल्दी करते हैं कृष्णा, बहुत वक्त हो गया है और भूख भी लग रही है। नेकी और पूछ पूछ भैया। अब कभी आनंद नगरी की तरफ आने की हिम्मत नहीं करोगे तुम। बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। चलो भैया सबको इनकी ताकत वापस दे देते हैं। एक भी योजना कभी चलेगी तुम्हारी त्रिकाल? ये तो होना ही था, त्रिकाल को मुंह के बल गिरना ही था। कृष्णा ने
की कर दी पिटाई। मुकाल चुप हो जाओ मूर्ख मुकाल। किसना फिर बच गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। किसना जब तुम हो हमारे साथ तो डरने की कभी नहीं है कोई बात। चलो अच्छा हुआ किसना जो सबकी ताकत वापस आ गई। हाँ भोला जी, आनंद नगरी की मुसीबत टल गई और अब हम सबको अपनी ताकत और बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा किसना, और ताकत बढ़ाने के लिए तुम बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार मतलब क्या गुरुजी? मतलब सारी चीजें खानी चाहिए, दाल दूध हरी सब्जियाँ ताजे फल, उससे हमारे शरीर को सारे प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं और ताकत मिलती है। और अगर ना चाहते हो कमजोरी तो संतुलित खाना खाना है जरूरी। अब चलो, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। आनंदी नदी की सैर। आज आनंदी की सैर का असली मजा आएगा। आज व्यास जी हमें आनंदी की सीमा तक लेकर जाने वाले हैं और हम पूरा दिन आनंदी में बिताएंगे। इसीलिए तो मैंने पूरे दिन के लिए खाने का सामान ले लिया है। सब बच्चे आ गए? जी। गुरुजी, चंपू और भोंदू तो नाव पर है ही नहीं। है? ये दोनों कहाँ रह गए? रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ो। ठीक है। अरे कोई तो बल्लू भैया ऊपर खींचो। अब शुरू की जाए आनंदी नदी की सैर। महाराज, बस एक बार इनकी नाव आनंद नगरी से काली नदी में आ गई तो किसना को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन त्रिकाल, इनकी नाव काली नदी में आएगी कैसे? देखते जाइए महाराज, त्रिकाल का कमाल। त्रिकाल का कमाल देख देख कर महाराज दुर्जन का हो गया है बुरा हाल। चुप कर मूर्ख मुकाल। दोपहर हो गई, एक भी मछली नहीं दिखी। आनंदी नदी में मछलियाँ हैं भी या नहीं? अरे थोड़ा सब्र करो बच्चों, हम नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं, जल्दी हमें बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देंगी। वो देखो, पानी में हलचल हो रही है, जरूर यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं।
भी दाना फेंको। इतनी बड़ी मछली। ये डॉल्फिन मछली है। आनंद नगरी की सीमा समाप्त होने वाली है, नाव को वापस मोड़ना चाहिए। अब ये नाव वापस नहीं जाएगी बल्कि काली नदी में आएगी। कमालम धमालम चमत्कारम निकालम। बज गई घंटी, अब हमारी नाव उस खतरनाक काली नदी में जाकर डूब जाएगी। सुधी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्लू, मैंने सुना है काली नदी की तरफ गई कोई भी नाव वापस नहीं लौटती। नाविक काका, नाव को रोकने का कोई और तरीका है? नहीं बेटा। सब लोग नाव को कस के पकड़ लो। ये तो बड़ी डरावनी जगह है। बच गई घंटी। वाह त्रिकाल, वाह! महाराज, त्रिकाल का असली कमाल तो अभी बाकी है। काली नदी के काले पानी से निकलेंगे मेरे जलासुर, जो कृष्णा और उसके साथियों को काली नदी में डुबो देंगे। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। भयानक राक्षस। के बने हुए राक्षस हैं, ये ऐसे नहीं खत्म होंगे। तो हम इनसे कैसे निपटे? एक उपाय है। कैसा उपाय कृष्णा? उसके लिए मुझे नदी में जाना होगा। हम तो मामूली से मछलियाँ हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हैं? एकता में बहुत ताकत होती है। हम सब मिलकर नदी में एक बहुत बड़ा भंवर बनाएंगे और जरासीम को उसमें डुबो देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर सच्चे मन से किया जाए तो कुछ भी संभव है। आओ मेरे साथ।
चलिए। बच्चों, हम आनंदी नदी में आ चुके हैं। वाह किसना, आज तुम्हारी बहादुरी से हम सब की जान बच गई। जो कोई ना कर पाए वो किसना कर पाए। हे, सब्सक्राइब टू वाव किड्स टुडे।